फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो बयान आया है वो यही है कि ये जो मामला है ये काफी गंभीर है और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी दोनों से इस पर रिपोर्ट मंगाई है। और अभी भी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि निफ्टी में ट्रेड हो रहा है लेकिन निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उसमें फिलहाल कहीं पर ट्रेड नहीं हो पा रहा, तो ये दिक्कत है। और इस बीच फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जवाब मंगाया है, जवाब तलब किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी दोनों की तरफ से, इस पर जवाब मंगाया गया है। ये इस समय बड़ी खबर। असीम, सेबी के कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है जो रिपोर्ट सौंप रहे हैं? देखिए, जो वित्त मंत्रालय है उसने सेबी से रिपोर्ट मांगी है, सेबी ने इससे आगे एनएससी से जो है रिपोर्ट मांगी है टेक्निकल ग्लिचेस से और ये क्यों हुए और इसकी वजह क्या रही और क्या किया जा सकता है इसको कि आने वाले भविष्य में इसके इस तरह के ग्लिचेस ना हो, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। जैसे एनएससी से अपडेट मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगी, सेबी जो है वित्त मंत्रालय को सूचित करेगा और वित्त मंत्रालय इसके ऊपर एक्शन लेगा और ये प्रोसेस जो है वो अभी चल रही है। असीम, बयान कब तक आ सकता है? मंत्रालय का बयान 15 मिनट में जो है वो आ सकता है, लेकिन ये है कि जो उनको लग रहा था कि 12:30 बजे तक ट्रेडिंग जो है रिज्यूम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अभी तक रिज्यूम ट्रेडिंग जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाई है, तो इसके ऊपर फिर दोबारा से एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगा गया है कि आप बताइए कि अभी क्या इश्यूज जो है फेस कर रहा है एनएससी, उसके ऊपर अभी थोड़ा अपडेट जो है मिलेगा। ठीक है। इस बीच सेबी सोर्सेज की तरफ से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो भी सौदे फंसे हुए हैं या जिन सौदों में सेटलमेंट होना बाकी है उन्हें सेटल किया जाएगा, सेबी नियमों के मुताबिक इसे सेटल करेगा। तो जो हम कुछ एक ब्रोकर जिनसे हम बात कर रहे थे, जो ये कह भी रहे थे कि लायबिलिटी एक्सचेंज की बनेगी या तो ब्रोकर की, वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल निवेशक के लिए तो यही कन्फ्यूजन। अब सोचिए, अब जिस निवेशक ने सुबह बोला होगा अपने ब्रोकर को कि आप ये सौदा कर दो और सौदा ब्रोकर ने पंच कर भी दिया होगा, ब्रोकर की भी गलती नहीं, उसने पंच कर दिया होगा, वो सौदा फंसा हुआ है इस समय, वो निवेशक क्या कर रहा होगा? तो खैर, उस निवेशक को भी चिंता की जरूरत नहीं है। अब से कुछ ही मिनटों में हमारा कॉलर शो शुरू होने वाला है जिसमें आप हमें सीधा पूछ सकते हैं। हमारे साथ कई मेहमान होंगे जो आपको बताएंगे कि आपका सौदा अगर फंस गया है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन बुरी खबर यह है कि इस बार भी ट्रेडिंग पूरी तरह से रिज्यूम नहीं हो पाई है एनएससी की तरफ से, और खासकर जो स्टॉक्स हैं, जो कंपोनेंट है, उसमें कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, जो कि प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो है पूरा उसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। वीर, आप स्टॉक्स तो छोड़िए, इंडेक्स को मैं तो बार बार देख के यही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही पॉइंट, एक टिक आपको दिख रहा है जब से खुला है, ये 12:30 बजे से हम टिक देख रहे हैं, 9721 2222 और 23, इतना ही चल रहा है। इतना बोरिंग मार्केट नहीं होता कभी भी बॉस। आप 3 घंटे बाद अगर बाजार खोल रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स के साथ खोल रहे हैं, आपको और सारी दिक्कतें हैं, उसके बावजूद सिर्फ आप एक टिक देंगे, मेरे को तो इस पे भी डाउट है कि इंडेक्स में भी सौदे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। स्टॉक्स फ्यूचर्स की तो बात ही अलग है, वो तो रजत ने दिखा दिया, उन्होंने 15 मिनट बाद लिस्ट देखी, कुछ नहीं हो रहा था। इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर भी डाउट है मिहिर, क्योंकि यहाँ पे कामकाज हो रहा है कि नहीं। चलिए, इस बीच रजत के पास चलते हैं। रजत, प्राइजेस में डिफरेंस भी काफी ज्यादा है, आप एक बार बताइए टर्मिनल को देख के कि जो प्राइजेस हैं उस, एक तो सौदे हो ही नहीं रहे और दूसरा जो आई थिंक बिड और आस्क प्राइस है उसमें भी बहुत बड़ा मिसमैच देखा जा रहा है। ये कैच है, बिड और आस्क में बहुत मिसप्राइसिंग है इस समय। ITC लिक्विड मानते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा है, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें मार्केट पे, लेकिन आप ये देखिए बिड देखिए उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की 335 की पहली बिड है, जो पहली लेवल पे आती है 335 का बिड प्राइस है, और जो आस्क प्राइस है वो है 321 का। इतना बड़ा मिसप्राइसिंग है, यानी कि जो बिड लगा रहे हैं वो 335 पे इस स्टॉक को लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो आज लेने वाले हैं वो 321 मात्र 321 का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये आप देखते चलें 334 324 334 326, यानी कि मिनिमम जो है बिड और आस्क में डिफरेंस वो लगभग 10 से 12 पॉइंट्स का है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता आमतौर पर, और ये सबसे बड़ा लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जाम्पल है और ये बहुत बड़ी मिसप्राइसिंग है इस मार्केट। लेकिन भीर, ये कैश के काउंटर में तो हम कई बार सोचते रहे, लेकिन ITC जैसे काउंटर्स में ऐसा होता तो नहीं है? टिपिकली हम तो नहीं देखते कभी ऐसा कुछ होता है कि हाँ 15-15 रुपए का डिफरेंस आ रहा हो बिड और आस्क में। नहीं, देखिए एक्चुअली मैं इससे भी ज्यादा जो तवज्जो है इस चीज पर देना चाहूंगा कि चलिए बिड और आस्क में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपके जो सौदे हैं वो सारे पाइपलाइन में है, वो क्यू में है। अब वो बिड में किसी ने अगर 335 का डाला हुआ है ट्रेड, सामने जो आज का पता चला जो ट्रेड है वो पहुंचा ही नहीं है सिस्टम तक, तो वो तो जो लास्ट उसके पास जो भी आया होगा आस्क प्राइस
उसी को आपको दिखाएगा, तो वो क्योंकि सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा है तो ये बिड और आस के बीच का जो डिफरेंशियल है वो तो दिखेगा आपको। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर ट्रेडिंग रिज्यूम हो चुकी है तो उसके बाद आप बीएसई पर और एनएसई पर जो प्राइसिंग है उसमें अगर आप देखेंगे ना तो मिसमैच अभी भी दिखेगा, खासकर कैश में। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि एनएसई पर जो स्टॉक्स के कंपोनेंट है उसमें अपडेट हो ही नहीं रहा है, तो वो सीधा रिफ्लेक्ट करेगा जब आप कैश में प्राइसेस देखेंगे ना स्टॉक्स के, तो उसमें वो सीधा दिखाई देगा आपको। ठीक है, एक बार जरा टीसीएस के प्राइस वापस दिखाइए। एक बार हमने देखा भी था कैश और एनएससी के क्या प्राइसेस में फर्क आ रहा है। अब सिर्फ खाली शेयर के अंदर ही, एक शेयर के अंदर ही सिर्फ एनएससी और बीएससी दोनों का लोड कर सकते हैं। ये टीसीएस का प्राइस है, ये एनएससी का प्राइस है, 2400 का चल रहा है। एक बार जरा बीएससी का देखा, 2421 आ रहा है। भीर जो प्रॉब्लम अभी आप कह रहे थे ना, ये फ्रंट लाइन का 2100 रुपए का डिफरेंस है, ये बीएससी और एनएससी के प्राइस का डिफरेंस है। और पक्की सी बात है, वॉल्यूम का भी डिफरेंस होगा। ये मैं आपको फ्रंट लाइन काउंटर बता रहा हूँ, इसके नतीजे आने हैं और इसी हफ्ते नतीजे आने हैं, और इससे बड़ा कोई शेयर नहीं हो सकता। उसमें आपका देखिए डिफरेंस 20 से 21 रुपए का खड़ा हो रहा है। तो स्वाभाविक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सौदे जब अपडेट ही नहीं हो रहा तो आस्क और बिड में तो फर्क आएगा, लेकिन जो अपडेट हो भी रहा है थोड़ा बहुत उसमें भी मेजर फर्क है। उसमें अब 20 से 21 रुपए का फर्क कम से कम टीसीएस में नहीं होना चाहिए था, 4-5 रुपए समझ में आते हैं, लेकिन ये तो लिक्विड शेयर है, उसके बावजूद भी दिक्कत है यहाँ पे।